आज हमारा टॉपिक जो है वो आइडेंटिटीज है। इसके अंदर हम पहले देखेंगे कि ये लाइट ऑफ हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं और इनका कहाँ यूज होता है। फर्स्ट है लाइट ऑफ साइट। लाइट ऑफ साइट का मतलब है हम यहाँ खड़े हैं और हमारे सामने कोई ऊपर की तरफ कोई चीज या ऑब्जेक्ट उड़ रहा है या फिर चल रहा है कुछ भी, तो हमारे देखने की जो एंगल बनता है, हम खड़े हैं, ये सरफेस है, तो सरफेस पर खड़े खड़े हमें ऊपर की तरफ एंगल बनाई जो चीज दिख रही है तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट जैसे हम खड़े हैं, हमें कहीं दूसरी जगह चीज को देखना है या देख रहे हैं, तो जो हमारी सरफेस और हमारी लाइन और सॉरी हमारी आंखों के द्वारा एंगल बनता है उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। जैसे हम खड़े हैं सरफेस पे और हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और वो थीटा एंगल पे बन रहा है, थीटा एंगल पे है, तो वो जो एंगल होगा वो हमारा लाइट लाइट ऑफ साइट ऑफ एंगल होगा और जो हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को देखने का जो व्यू है उसको लाइट ऑफ साइट कहते हैं। सेकेंड है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है अगर हम सरफेस पे खड़े हैं, सरफेस है, सरफेस पे खड़े हैं और हमें वो चीज या ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ हम देखने पे हमें दिखाई दे या जो हमारे सरफेस से जो ऊपर की तरफ एंगल बने, ये सरफेस है इससे ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राइज अवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। हम हमारे हमारा जो सिर है उसको किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब ऊपर उठाते हैं तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये दो चीज होगी, एक तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हमारे सिर को जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऊपर उठाते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। थर्ड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि अगर हम एक सरफेस पर खड़े हैं और हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे सिर को नीचे की तरफ करना पड़े या सरफेस के द्वारा जो एंगल बनता है वो बिलो लाइन बनता है तो उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो इस हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के अंदर हमारे पास जो डेफिनेशन है हमें याद रखनी चाहिए। फर्स्ट है लाइन ऑफ साइट, सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन और थर्ड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो किसी हाइट पे खड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट को जब देखा जाता है तो उसमें हम एंगल ऑफ डिप्रेशन काम में लेते हैं। सेकेंड है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हम किसी अर्थ सरफेस पे खड़े हुए दूसरे किसी बिल्डिंग पे या फिर ब्रिज पे खड़े किसी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तब हम एंगल ऑफ एलिवेशन काम में लेते हैं। तो ये तीन जो टॉपिक है इनमें से ये एक्सरसाइज बनती है। इन तीनों टॉपिक के ऊपर ही पूरा ये चैप्टर चलेगा और इसके अंदर हम हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी थी या ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थे हमें
ठीक है, वो इसके अंदर काम में आएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 10 √3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर से दूरी पे 10 √3 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का बन रहा है, तो हमें उस टावर की हाइट पता करनी है। मतलब क्वेश्चन के अंदर ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 √3 मीटर की दूरी पे खड़ा है और उससे जो इस बिल्डिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, तो हमें कह रहे हैं कि यहाँ से सॉरी ये जो बिल्डिंग हमें दिख रही है ये क्या टावर जो दिख रहा है उसकी हाइट कितनी है वो निकालनी है, हाइट एच। ठीक है, तो उसके लिए हमने इसको तो हमने एबीसी नाम दे दिया एबीसी। अब इस यहाँ पे ये सरफेस से टावर जो सीधा खड़ा होता है 90 का एंगल बनेगा, ये इतनी सी बात याद रखनी है। अब ट्राइंगल जो होता है वो पी अपॉन क्यू होता है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस या हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो हमारे पास थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है हमारे पास, और थीटा जो होता है अभी से इंटर वाला एंगल होता है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। हमें जो वैल्यू निकालनी होती है जिसको फाइंड आउट करना होता है वो ऊपर रहती है हमेशा, तो पी कौन सा है, पी मतलब ये हाइट है एच, और बी दे रखी है हमें, और थीटा जो है वो 60 डिग्री दे रखा है, टे 60 डिग्री वो होता है एच अपॉन टेन, 60 की वैल्यू पता है जो हाइट ऑफ
elevation 4 meter of the same paper. The angle of elevation of the tower of the top of the tower from a point on the ground, which is 10 root 3 meter km. The angle of elevation banata hua point hai wo isi tower ke top se angle of elevation bana raha hai usme uski ubhi jo hai 10 root 3 meter hai tower se aur 460 ka angle bana raha hai to hame tower ki height nikalni hai jo tower kitna unchai se hai ya kitni unchai ka tower hai to jab humne pure jo hum de rahe hain measurement उनको जब हमने ड्रॉ किया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें एक साइड दे रखी है दूसरी साइड हमें निकालनी होती है और एक एंगल दे रखा होता है तब हम उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं उसमें वो पंडित बद्री प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इसका इन्वर्स फोर सेक कोस सेक थीटा इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तब टेन थीटा के लिए हमने किया कौन बी लिया इसमें जो होती है वो दे रखी हमने यहाँ ने मतलब ली है इसको अच्यूम किया है एच और बी जो है टेन थ्री होता है इसके बाद में एट थीटा की जो वैल्यू है वो 1060 होती है तो ये एंगल हमने दे रखा है 60 तो यहां 60 किया 10 थीटा की वैल्यू 3 होती है प्लस अपॉन इंपीडेंस की वैल्यू अपॉन बी की वैल्यू होती है हमने इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एस बराबर 10 * 3 * 3 तो वो मल्टीप्लाई करने पे 30 इसकी एच की वैल्यू आ गई और ये एच क्या होता है हाइट ऑफ टावर है इसको हमने एच किया था वैल्यू 30 मीटर आई है इस तरह से ये हम हाइट ऑफ स्ट्रक्चर सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है इसमें दे रखा होता है पहले से कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन है या एंगल ऑफ इलिवेशन है या स्ट्रेट एंगल है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोर्ड फ्रॉम ए 50 मीटर हाई और ये
उद्देश्य है, उन लोगों को लेके अभी राइटिंग टाइटल बना रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो इसमें कहाँ आते हैं परपेंडिकुलर और बेस? परपेंडिकुलर और बेस यहाँ आते हैं, इसके लिए काम में आते हैं, क्रैंक थीटा के लिए काम में आते हैं। तो देखिए, अगला हमसे देखिए आप